भारत एक मंदिरों का देश है। यहाँ कई मंदिर आज भी संस्कृति समेटे हुए हैं। समय समय पर आक्रमणकारियों ने बहुत से मंदिरों के अस्तित्व को मिटाने की कोशिश की, लेकिन मिटा नहीं पाए। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कोणार्क मंदिर के बारे में। तो गाइस, मैं करण कुमार, और शुरू करते हैं आज आपका जब चैनल के माध्यम से। 12वीं शताब्दी में कलिंग के महाराजा नरसिंहदेव प्रथम ने 12 एकड़ में 1200 कारीगरों की मदद से 12 साल में बनाया गया था। हालांकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि श्री कृष्ण के पुत्र सांबा जो श्राप से कुष्ठ रोग के शिकार हो गए थे, तब उन्होंने चंद्रप्रभा नदी के किनारे 12 साल लगातार तपस्या की थी। कहा जाता है कि सूर्य के किरणों और समुद्र के पानी से उसे कुष्ठ रोग से छुटकारा मिल गया था। इसी मान्यताओं के चलते राजा नरसिंहदेव प्रथम ने इस पवित्र भूमि में मंदिर बनवाया था। हालांकि यह मंदिर सूर्य देवता के काल्पनिक रथ के आकार का है, जिसे सूर्य के 7 रंगों की तरह 7 घोड़े खींचते हैं, जिसे घड़ी की तरह ही 24 पहिए लगे हुए हैं। इस मंदिर में सूर्य को साधने की हर कोशिश की गई है, उन कोशिशों का ही नतीजा है ये सूर्य मंदिर। इन 24 पहियों में 2 पहिए सूर्य की रोशनी की मदद से समय समय पर समय बताते रहते हैं। इस मंदिर पर सूर्य की पहली किरण मंदिर के अंदर स्थित मूर्ति पर पड़ती है। इस मंदिर के ऊपरी हिस्से में एक चुंबक हुआ करता था। हालांकि मंदिर की दीवारों में लोहे की प्लेट लगाई गई थी, जिसे दीवारों का संतुलन बना रहे। 1508 में बंगाल के नवाब सुलेमान खां कर्रानी ने उड़ीसा पर आक्रमण कर दिया। कई मंदिर के साथ कोणार्क मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया और इसके ऊपरी हिस्से को तोड़ दिया। गुंबद से बने ऊपरी हिस्से के टूटते ही मंदिर की छत गिर पड़ी, जिसके बाद उस चुंबक को फिर से उसके ऊपरी हिस्से पर लगाया गया। कहते हैं कि 16वीं शताब्दी में जब पुर्तगालियों के जहाज इस मंदिर के पास से गुजरते थे, तो चुंबक की ही वह गलत दिशा से चले जाने के कारण नाव डूब जाती थी, जिसमें पुर्तगालियों ने इस मंदिर को ब्लैक पगोडा कहना शुरू कर दिया। हालांकि जब ऊपरी हिस्से की बात पुर्तगालियों के सामने आई, तो पुर्तगालियों ने इसे गिरा दिया, जिससे गुंबद से लगी दीवार ऊपरी हिस्सा भी गिर गया। बहुत सी आपदाओं के कारण यह मंदिर हजारों साल समुद्र के रेत में धंसा रहा। कुछ विद्वानों का मानना है कि इस मंदिर में आज तक पूजा नहीं हुई है। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य कारीगर के पुत्र ने इस मंदिर के उद्घाटन से पहले ही इस मंदिर की छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि राजा ने आदेश दिया था कि 1200 लोग ही काम करेंगे, लेकिन मंदिर के गुंबज को ऊपर पहुंचाने की लाख कोशिशों के बाद भी ऊपरी हिस्से में नहीं पहुंच सका। तो एक कारीगर के पुत्र ने उपाय से इस मंदिर के गुंबज वाले ऊपरी हिस्से को तैयार किया गया। लेकिन राजा को जब पता चलेगा कि मंदिर को बनाने में 1200 नहीं 1201 आदमी लगे थे, तो शायद सभी को मृत्युदंड दिया जाए। इसी भय से 1200 लोगों की जान बचाने के लिए छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो दोस्तों, ये था उड़ीसा का कोणार्क।